Like a Hellcat. So hello guys, welcome to our channel Education Wizard. ये हमारी जो national income है part 2 है, तरीके से बोले तो अगर ये दूसरी video है हमारी. और इससे पहले वाली वीडियो के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ. जिसने अगर वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो गाइस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, देन ये वीडियो देखिए तो और मजा आएगा. तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बेस के बारे में, जी से एन वगैरह कैसे निकालते हैं. तो आप लोगों को थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी कि आखिर हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा. तो आइए देखते हैं कैसे पूछेगा. सबसे पहली बात गाइस, आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है कि जो हमारा नेशनल इनकम है कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी. देखिए गाइस, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय तीन मेथड है, उन मेथड पे हमें पूरा पूरा फोकस रखना है. एग्जामिनर इन तीनों मेथड में से कोई क्वेश्चन देता है, नहीं तो नॉर्मल देगा तो कोई भी नॉर्मल भी हम निकालना सीख लेंगे. सबसे पहली बात जो आता है वो हमारा आता है कि भाई इनकम मेथड, जिसको एक तरीके से जो हिंदी में वाले बच्चे वो ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं आय विधि, ठीक है. और जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है उसको क्या बोलते हैं व्यय विधि. और उसके बाद जो ये प्रोडक्ट मेथड है इसको बोलते हैं उत्पाद विधि. ये चीज है. तो तीन तरीके से, तीनों में से कोई भी. अब सब इनके ना कुछ नाम है, नेशनल इनकम से कुछ निकलता है. निकलता है क्या, कुछ का मतलब क्या है कि वो जो इससे पहले हमने प्रीवियस में देखा था ना, अभी आठ जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था वैसे है. तो देखिए इस जो ये इनकम मेथड है इससे निकलता है एनडीपी, ठीक है. एनडीपीएफसी निकलता है, किससे निकलता है एनडीपीएफसी. ये जो हमारा इनकम मेथड है इससे निकलता है एनडीपीएफसी निकलता है. और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है जीडीपीएमपी. और इस वैल्यू एडेड से वैसे तो जीबीपी निकलता है, लेकिन वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इससे भी क्या हम बोलते थे कि जीडीपीएमपी ही निकलता है. आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो नाम है उस नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को. एक बार देखिए, फिर से देखते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो इसमें कुछ चीजें हैं आप लोगों को याद रखना है कि ये कैसे कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब चीजों के बारे में याद रखना है आपको. फिर देखिए गाइस, आप लोगों को जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय आपको कुछ बातें याद रखनी है. क्या चीज, जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि जो चीज आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, उसे आप क्या रखेंगे आउटसाइड रखेंगे. कहां पे रखेंगे आउटसाइड, जो भी आपको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को अगर क्या करना है, इसमें मान लीजिए जीडीपीएमपी है, इसे ही फाइंड आउट करना है. जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना है तो जीडीपीएमपी को आप लोग क्या कर देंगे आउटसाइड रखेंगे. और जो आपको गिवन होगा, देखिए आठों में से कोई ना कोई जो एट एग्रीगेट है उसमें से एक गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दे दिया यहाँ पे, जी एन पी एफ सी गिवन है. क्या गिवन है, जी एन पी एफ सी. देखिए ऐसे नहीं गिवन होगा, इसका क्या होगा कुछ अमाउंट गिवन होगा. तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए जी से जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डी से डी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा, डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल पे जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, याद है एन से डी पे जाते तो प्लस होता था एनएफआईए. और डी से डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाओगे यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस का एनएफआईए. तो ये डी से एन वाला भी हो गया. अब देखिए पी से पी का कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब रही बात एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर प्राइस पे जाएंगे तो याद आया आपको कुछ कि अगर हम किस पे मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाएंगे, किससे मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर प्राइस पे एमपी से एफसी पे जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा प्लस का एनआईटी. क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का एनआईटी. ध्यान रखिए कि एमपी से अगर एफसी पे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस का एनआईटी. तो जो अमाउंट हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है. ये बेस है. वैसे तो ये जो जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है ये नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन होगा, जो बेस रहेगा थोड़ा बहुत यही चीज हमें निकालना सीखना है. इसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है यही है. अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो है वो है शब्दों का खेल, मतलब यहाँ पे वर्ड्स जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे वर्ड्स हमें याद रखने हैं बहुत अच्छे से. फिर देखिए अब ये तो था नॉर्मल में समझा दिया आप लोगों को, अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको. फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. फाइंड आउट का मतलब कि आप एक तरीके से निकालिए. क्या चीज निकालिए, दो चीजें बोल रहा है एग्जाम में. हमें कह रहा है कि आप पहले तो एनएनपी एमपी निकाल दीजिए,
ठीक है, फर्स्ट जो बोल रहा है कह रहे कि एमपी निकाल दीजिए, दूसरा बोल रहा है कि एनडीपीएफसी निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए एनडीपीएफसी, दो चीज एग्जामिनर हमें बोल रहा है, कह रहे कि फ्रॉम द डाटा, ये हमें डाटा गिवन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में देखिए एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, जी एनपी एमपी हमें गिवन है, कितना गिवन है भाई 6000, ठीक है, अब यहाँ पे जीएनपी हमें गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला हमें आईटी गिवन है, आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, कितना गिवन है 200, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एनएफआईए भी गिवन है कितना 300, और हमें डेप कितना गिवन है भाई 100, और आईटी हमें कितना गिवन है 300। देखिए अब आप लोगों को बेसिक याद रखना है कि जो जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या आपको एनएनपीएमपी, तो जो हमें निकालना है उसको हमें आउटसाइड रखना है, आउटसाइड का मतलब बाहर रखना है, क्या निकालना है भाई एनएनपीएमपी निकालना है। अब ध्यान से देखो कि भाई जो जो चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें किस किस चीज की नीड है, तो आपको देखो जीएनपीएमपी यहाँ पे गिवन है, चलो भाई जीएनपीएमपी हमें गिवन है लिख देते हैं, कितना गिवन है ये गिवन है, तो अब इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, देखिए ध्यान से, N से G पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा माइनस का डेप, अगर N से G पे जाओगे तो आप लोगों को माइनस का डेप, अब कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में देखो कि भाई डेप कितना अमाउंट हमें गिवन है, तो डायरेक्ट देखो डेप कितना गिवन है भाई 100, तो लो जी माइनस कर देते हैं 100, एक स्टेप तो हो गया हमारा। दूसरा N से N पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, P से P पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से हम G से N पे गए तो माइनस का हमने डेप कर दिया, अब वही अगर हम बात करें एन से एन पे जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पी से पी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और वही एमपी से एमपी पे जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इट मींस कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6059, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे देखिए, ये तो एक था हमने सॉल्व कर लिया, अगला जो हमें क्वेश्चन एग्जामिनर बोल रहा है कह रहे कि आप क्या निकाल के दिखाइए यहाँ पे एनडीपीएफसी निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए एनडीपीएफसी, फिर से वही गलती जो बार बार बच्चे ना बहुत बार एक ही गलती कर देते हैं कि भाई जो चीज यहाँ पे ये गिवन है ना हमें, जैसे कि आपने क्या निकाला एनएनपीएमपी, इसको लिख देते हैं। गाइस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज नहीं लिखना जो आपने फाइंड आउट किया, आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसी को लिखना है फिर से दोबारा, क्या गिवन है आपको जीएनपीएमपी, अब जीएनपीएमपी ही लिखना है आपको। अब देखिए फिर से कितना गिवन है, ये अमाउंट हमें गिवन है, अब देखिए जी से एन पे जाएंगे वही ऊपर वाला, इतना तो याद हो गया ना, देख लो ध्यान से इधर, जी से एन पे गए ये हो गया, अब देखो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाओगे तो माइनस का एनएफआईए लिख दो भाई। अब देखो ये चीजें हमें ना क्वेश्चन के अंदर देखते रहना, जो गिवन है तो भाई उसे ऐड या क्या कर लो उसमें माइनस प्लस कर लो, अगर नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ो, जो गिवन नहीं है जीरो एज्यूम करना उसे। वैसे तो देखो डेप हमें गिवन है, ये रहा भाई गिवन है, और चलो माइनस का एनएफआईए, एनएफआईए देखो दिख रहा है कहीं, ये रहा 300, चलो एनएफआईए भी ले लेते हैं। अब भाई क्या रहेगा, पी से पी का कोई इफेक्ट नहीं, अब देखो एफसी से एमपी, अब देखो क्या काम करना हमें एफसी से एमपी, एफसी से एमपी पे जाओगे तो याद आया, हाँ बिल्कुल ठीक, क्या करना आपको माइनस का एनआईटी, तो लो जी माइनस का एनआईटी भी कर देते हैं। अब एक चीज है भाई माइनस का एनआईटी, लेकिन सर क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें एक तरीके से कि यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, एक तरीके से जैसे आईटी गिवन है, एक मिनट हमारा क्या है आईटी नहीं, ये सब्सिडी है और ये हमारा आईटी है, तो अब देखिए हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है एनआईटी, तो एनआईटी के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, IT माइनस में सब्सिडी होता है, तो IT हमें कितना गिवन है यहाँ पे देखिए 300, और सब्सिडी ये जो था ये गलत है, अब 200 गिवन, यानी जो हमारा फाइनल आंसर अगर आएगा वो कितना आएगा NIT 100, तो आपको यहाँ पे 100 लेना है NIT की जगह, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये दो थोड़ा मिस्टेक हो गया था सॉरी इसके लिए। अब देखिए अब इसके बाद बात हम कर रहे हैं कि इसको हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है मतलब, तो देखिए पहले अब इसकी बात कर लेते हैं, तो सबको अगर वैसे ही माइनस यहाँ पे अगर करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं तो, और अब इसके बाद डायरेक्ट एक काम कर देते हैं पूरा 500 ही माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 5500 हमारा फाइनल आंसर आएगा जो कि क्या आएगा हमारा एनडीपीएफसी।
आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।